भजन सिंह जी, आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सिक्योरिटी। अन्ना, तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग स्नान पानी से नहीं बल्कि खून से करते हैं। करना पड़ता है अन्ना, सियासत की देवी बलि लिए बिना खुश नहीं होती, और फिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चालाक नेता वही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे। दाग लगेगा भी कैसे भजन सिंह जी, खून चाकू भेजने वाले पे नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले के दामन पे लगता है। और इस काम के तुम बेताज बादशाह हो। एक कबूतर उड़ाना है अन्ना, जिसके 50 लाख रुपए एडवांस इस बैग में है, और 50 लाख रुपए काम होने के बाद। भजन सिंह जी, एक कबूतर नहीं बल्कि ये कहो कि किसी बास को उड़ाना है। बहुत समझदार हो गए अन्ना, लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बल्कि सीएम को उड़ाना है, ताकि उसकी गद्दी पर बैठने का मेरा ख्वाब पूरा हो। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है, फरिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। वरदान। हाँ साहब। शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया है।